अगर आपने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए खुशखबर है, आने वाले टाइम पीरियड में पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा जी, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पेटीएम के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसका मतलब आपको बहुत ज्यादा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पेटीएम के शेयर्स मार्केट में एक साल पहले आए थे आईपीओ के थ्रू। मार्केट में पेटीएम के ऐसे बहुत ही कम इन्वेस्टर्स थे जिनको स्टार्टिंग के 2-3 महीने में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ओवरऑल पेटीएम के शेयर होल्डर को पेटीएम के शेयर से नुकसान ही मिला है। करंटली पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बायबैक इशू किया था, जहां पर पेटीएम ने अपने शेयर्स को 618 रुपए में ही परचेस किया था। तो यहां पर जिन लोगों ने बायबैक में अपने शेयर्स को सेल किया था उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाने को मिला है। और स्टॉक मार्केट में हर कोई चाहता है कि पेटीएम के शेयर की वैल्यू बढ़े और पेटीएम के शेयर्स में अटके हुए पैसे भी रिकवर हो। तो डेफिनेटली पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा विजय शेखर शर्मा जी ने कहा है। तो डेफिनेटली पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, आने वाले टाइम पीरियड में। तो अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनली विजय शेखर शर्मा जी ने यह भी कहा है कि अगर आप पेटीएम के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि पेटीएम के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना वर्थ ऑप्शन होगा भी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पेटीएम के शेयर्स ने पिछले 1.5 साल में परफॉर्म किया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इस बात पर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि पास्ट में पेटीएम के शेयर्स में जितना राइज दिखाई नहीं दिया है उससे ज्यादा पेटीएम के शेयर्स गिर चुके हैं। इसके अलावा पेटीएम की हाल ही में हुई मीटिंग में पेटीएम के डायरेक्टर्स ने यह भी कहा है कि पेटीएम के बिजनेस की ग्रोथ लगातार होते जा रही है और पेटीएम के प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन यह कहता है कि आपको करंटली पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपको 2-3 महीने रुक जाना चाहिए और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आखिर पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो भी रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। तो एज अ शेयर होल्डर आपके साथ ये चीज हो सकती है। तो करंटली पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करना। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आपको मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं। करंटली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है और डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप किसी मल्टीबैगर शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट पेटीएम के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेटीएम के शेयर्स आने वाले टाइम पीरियड में ग्रो करेंगे, लेकिन कब ग्रो करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आपको किसी और मल्टीबैगर शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।